हमारे बीच में सीपी सिंह जी जो दिल्ली प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं। सर आपका एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। आज जो दिल्ली के अंदर जो इस तरीके का जो माहौल है और सभी पार्टियां बड़े पैमाने पे अपने पार्टियों के अंदर फेरबदल कर रही हैं और फिर दोबारा ये देख रही है कि हमें किसी तरीके से मौका मिले ये बहुजन समाज को हम इकट्ठा करें, क्योंकि पहले उन्होंने छल लिया, ठग लिया, लेकिन फिर उसी मुकाम पे आ रही हैं। अभी 26 तारीख को बहन कुमारी मायावती ने लखनऊ के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई और उसमें पूरा उन्होंने अपना रूपरेखा हम लोगों को दी है कि किस तरह आपको अपने प्रदेशों में जाकर पार्टी की मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। तो उन्होंने इस बार प्रदेश के अंदर संगठन में जो फेरबदल की है तो उन्होंने हर आदमी को पाँच पाँच विधानसभा दी हैं और ये जवाबदेही दी है कि पाँच विधानसभा की जवाबदेही आपकी होगी, उसके आधार पर पूरा संगठन बनेगा। सर हर आदमी का मतलब कि मतलब एक प्रदेश के अंदर जो एक पदाधिकारियों की लिस्ट है वो किस प्रकार से रहेगी? प्रदेश के अंदर धर्मवीर अशोक जी प्रभारी रहेंगे जो एक दिन दिल्ली को देखेंगे, उसके बाद महेश आर्या और मैं खुद प्रदेश अध्यक्ष पूरे प्रदेश के अंदर घूमेंगे और उसके बाद फिर बहन जी ने जिला स्तर पर दो दो आदमी एक एक आदमी की नियुक्ति की है जी। एक आदमी पांच विधानसभा को देखेगा और पांच विधानसभा के अंदर उसमें रिजल्ट लाने का काम उनका होगा। तो इस तरह दिल्ली में हमारे 14 जिले हैं तो 14 लोगों को बहन जी ने लखनऊ में ही उनके सामने नियुक्ति की गई है और उनको सबको उधर लगाया गया है। सुरेंद्र चौधरी जी हमारे जो यहाँ पूर्व विधायक हैं तो उनका वो दिल्ली के प्रभारी रहेंगे, मगर क्योंकि उनको चुनाव लड़ना है तो इसलिए बहन कुमारी मायावती ने उनको आदेश दिया है कि आप जिस जिले में आपकी विधानसभा है तो उसमें ही आप काम करेंगे और अपनी विधानसभा को पूरा तैयार करने का काम करेंगे। तो इस तरह का बहन जी ने संगठन बनाया है। इसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने 1 तारीख को मीटिंग बुलाई है पूरे प्रदेश की और उसके बाद सारे लोगों को बैठ कर मतलब हम लोग आगामी रणनीति बनाने का काम करेंगे, क्योंकि बहन जी का ये कहना है कि कभी भी मतलब ना लोकसभा के चुनाव के साथ साथ हो सकता है विधानसभा का भी चुनाव हो जाए जी। तो इसलिए हमें लोकसभा के कैंडिडेट पर भी ध्यान रखना है और अभी से ही हमें विधानसभा के प्रत्याशियों को भी चिन्हित करना है। तो इस तैयारी में हम लोग 1 तारीख को अपने पूरे प्रदेश की रूपरेखा बना लेंगे और उसके आधार पर फिर हम लोग इधर आगे काम करने का काम करेंगे। सर जब से देश के अंदर जब बहुजनों की बात करते हैं और दलितों की बात करते हैं और दलितों ने एक बार 2 अप्रैल को पूरा किसी भी झंडे के नीचे नहीं, कोई भी ना बैनर था ना कोई झंडा था, अपनी मांग को लेकर, चाहे एट्रोसिटी मामला है, चाहे आरक्षण का मामला है, चाहे नौकरी में रिजर्वेशन प्रमोशन का मामला है, उन्होंने अपना आक्रोश दिखाया और शांतिपूर्वक दिखाया। उसके बावजूद जो जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ दलितों को चुन चुन कर और खास तौर से ये देख रहे हैं कि ये बसपा का मेंबर है, ये किसका मेंबर है, उनको उठाकर बंद कर रहे हैं और उन पर ऐसे संगीन अपराध सिद्ध कर रहे हैं। तो सर इसके लिए वो आप बताएं जरा। देखिए जो भी हमारे महापुरुष पैदा हुए हैं, चाहे वो साहब हैं, कांशीराम साहब हैं, बाबा साहब हैं, ये आज बहन कुमारी मायावती हमारे बीच में काम कर रही हैं, उनका हमेशा कहना है कि भाई हम लोगों को संविधान के आधार संवैधानिक तौर पर हमें काम करना है। तो इस समय जो पोजीशन पर 70 साल का जो रिजल्ट रहा है कि इस देश के अंदर आज वर्तमान में बीजेपी की सरकार बनी और जैसे ही सरकार बनी तो इसमें मेरा मानना है कि हमारे जो पढ़े लिखे लोग थे, जिन लोगों को बाबा साहब का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर हम लोग मतलब को सुख सुविधा मिली, तो वो लोग अपने सुख सुविधा में खो गए। क्योंकि जब बाबा साहब ने देश का संविधान दिया था तो ये कहा था कि भाई आज से आप दोहरी ज़िंदगी जीने का काम करेंगे, मैंने वोट के आधार पर तो आपको बराबर कर दिया है मगर आप सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर गैर बराबरी की ज़िंदगी जियेंगे। इसलिए इस लोकतंत्र का जल्दी से जल्दी उपयोग कर आप लोग जल्दी से जल्दी अपनी सरकारें बना लेना, नहीं तो ये इस देश के अंदर लोकतंत्र भी खतरे में आ जाएगा जी। और आज वही दिन है कि हमारे लोग दूसरों लोगों की सरकार बनाते रहे और उन्होंने खुद की सरकारें नहीं बनाने का काम किया, तो आज वो परिणाम सामने आया कि जो चीज़ इस देश के अंदर 70 साल में हमें मिलनी चाहिए थी, हम दूसरे के पछलग्गू बन गए, उस पर आश्रित हो गए कि ये हमें देंगे, तो हमने बाबा साहब की बात को नहीं माना।
और दूसरे की सरकार बनाते रहे और यहाँ तक ही बना दिया कि आज बीजेपी की सरकार भी इस देश के अंदर बनी, जो सबसे ज़्यादा यदि ब्राह्मणवाद के बाद खतरनाक कोई चीज़ है तो बीजेपी की आरएसएस है, जो चाहती है कि अम्बेडकरवाद इस देश के अंदर कभी नहीं आना चाहिए। कहने के लिए वो अम्बेडकर से प्यार कर रहे हैं, मगर अम्बेडकरवाद को मानने वाले लोगों से उन्हें नफरत कल भी थी और आज भी है, और वो उसका परिणाम है इस देश के अंदर कि जो आज हमारे युवाओं में जोश है या हमारे लोगों में एक आक्रोश है कि उनको उनकी भावनाओं को दबाया जा रहा है या उनके हक हकों को इस देश के अंदर ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, तो इसलिए जनता में आक्रोश हुआ। और जिस दिन 2 तारीख को ये घटना घटी तो हमारी नेता का आदेश था कि भाई आप लोग भी, क्योंकि ये सामाजिक आंदोलन है जी, तो हम लोगों को भी वहाँ पर जाना चाहिए। और जब उनका आदेश हुआ तो तभी मेरा मानना है कि ये आंदोलन इतना व्यापक रहा है कि कोई आदमी उसमें झंडे बैनर तो नहीं लेकर काम कर रहा था, मगर अंदरूनी रूप से मतलब जो ताकत थी वो बहुजन समाज पार्टी की उस दिन नज़र आई, और कुछ लोग हमारे जो लोग हैं तो कुछ झंडे भी लेके चले गए, तो वो उसमें बहुजन समाज पार्टी का भी बहुत बड़ा रोल है उसको सफल करने के अंदर। सर एक लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है सर, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब अपनी शपथ ली थी और वो एक पूरा 6 महीने कार्यकाल पूरा किया था, उन्होंने पूरे प्रदेश या पूरे दिल्ली या पूरे देश के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से विधायक से ये कहा था कि भाई आप एक एक गाँव को गोद ले लें। सर वो अभी वो जो गाँव गोद लिए थे वो गोद में ही है या कुछ पैदल चलने लगे हैं? नहीं, ये तो एक ड्रामा था कि भाई जितने एमपी हैं जी, एक एक मतलब जो गांव गोद लेना है, उन्हें एक गांव से क्यों गोद लेना, उन्हें तो पूरा देश गोद लेना चाहिए जी। जनता ने उनको इसलिए जिता के भेजा कि देश का जो संविधान है बाबा साहब के द्वारा बनाया गया उसके अंदर जो लोगों के हक हकूक हैं तो उनको ये लोग जाकर उनको देने का काम करेंगे, तो ये उन चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने एक ड्रामा करने का काम किया कि चलो लोगों को लुभाएं कि भाई एक एक गांव हम लेकर आदर्श बना कर दिखाते हैं। आदर्श बनाना तो बहुत दूर है, जिन लोगों ने गोद लिया है मेरा मानना है कि वो आज तक उन गांव में गए तक भी नहीं है, शायद उनको उसकी जो सीमा है यदि उनसे पूछ लिया जाए कि इस गांव में कौन सी गली किधर निकलती है, कौन सा मोहल्ला कहाँ पर है, तो वो किसी भी कीमत नहीं बता पाएंगे, तो फिर ऐसी योजना बनाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि अब उस गांव में नहीं गए और कल 27 तारीख को उन्हें पूरे 4 साल हो गए, माननीय प्रधानमंत्री जी स्टेज से हाथ फैला फैला कह रहे हैं हमने ये काम करा, उनके मंत्री हाथ फैला फैला के ये काम कर रहे हैं, सांसद वो कह रहे हैं कि हमने पूरे देश का विकास करा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पढ़ाओ का नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास किया है, तो आप कह रहे हैं उन गाँव तक नहीं गए? देखो उनका काम झूठ से चल रहा है, उनका झूठ बिक रहा है, क्योंकि यहाँ की जो एक बहुत बड़ा मास है जिसको इन लोगों ने अनपढ़ रखने का काम किया है और उन लोगों को इस तरह की प्रवृत्ति में बांधा गया शुरू से कि वो लालच की प्रवृत्ति में आ गए, तो उस लालच को दिखाकर उन लोगों ने जो सबसे बड़ी गद्दी है उसको हत्याने का काम किया है, और जब उस गद्दी को हत्याया उन्होंने तो फिर आज वो सफेद झूठ बोलकर लोगों को बरगलाने काम किया। जैसे उन्होंने एक कहा कि जैसे मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा तो मैं 15-15 लाख रुपए हर आदमी के अकाउंट में जमा करा दूंगा जी। तो आज 4 साल हो गए हैं, किसी के अकाउंट में एक 15 लाख तो बहुत दूर की बात है, 15 कोड़ी भी मतलब जो नहीं उसमें पहुँची है, तो और लोगों ने अब जवाब मांगना शुरू किया है, तो उन्होंने सिंपल से उनके मतलब जो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने कह दिया ये तो चुनावी जुमले हैं, ये तो चुनाव में हम लोग बोल देते हैं, तो वो तो जुमले के आधार पर इस देश के अंदर सरकार चलाना चाहते हैं। इस देश के अंदर जो मूवमेंट कांशीराम साहब ने खड़ा किया है उन्होंने कहा कि थॉट स्पीक एक्शन ये तीनों एक होना चाहिए, जो मैं कह रहा हूँ वो मुझे करना चाहिए और जो मैं कह रहा हूँ वो दिखना भी चाहिए। इस काम को जब उन्होंने शुरू किया तो लोग उनकी मजाक उड़ाया करते थे कि ये फटी कमीज पहनने वाला, पैरों में चप्पल नहीं है, ये क्या राजपाट की बात करता है, मगर जब उन्होंने संकल्प लिया और जिस आधार पर उन्होंने काम करना शुरू किया तो आज देश का जो सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उसमें एक बार नहीं दो बार नहीं 4-4 बार सरकार बनाने का काम किया, और आज वर्तमान हालात ऐसी बन चुके हैं कि जो पार्टी कभी बीएसपी के नाम से जलन रखती थी या हमारा नाम लेना पसंद नहीं करती थी, आज चाहे वो
मुलायम सिंह यादव हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे हार्दिक पटेल हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे देवगौड़ा हो, चाहे ओम प्रकाश चौटाला हो, हर आदमी की आज एक ही चाहत है कि हम बहन कुमारी मैत्री को यदि देश का प्रधानमंत्री बना दें तो निश्चित रूप से देश तरक्की कर सकता है। आज वो सब उनके साथ खड़े होकर बहन जी के हाथ मजबूत करना चाहते हैं। और ये लगता है कर्नाटक में जो अभी सरकार बनी है, उस दिन विपक्ष जब सारा वहाँ इकट्ठा हुआ तो इस देश का, मैं कहता हूँ, वो दिन इस देश के अंदर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। और वो एकमात्र यदि किसी की जीत थी तो बहन कुमारी मायावती की जीत थी, और इस मूवमेंट की जीत थी जो मानवर कांशीराम साहब ने तैयार किया है। उस दिन ये झलक नज़र आई है, देश के बच्चे बच्चे के अंदर एक चाहत पैदा हुई है कि अब बहन कुमारी मायावती को इस देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई मायका लाल रोक नहीं पाएगा। तो निश्चित रूप से इनके जुमले यदि कोई ख़त्म कर सकता है तो एकमात्र नेता है जिनका नाम बहन कुमारी मायावती है। और मेरा मानना है कि 2019 का जब चुनाव आएगा तो ये सब जुमले कहना भूल जाएंगे, और जो इन्होंने जनता को जितना भी 5 साल में दुखी किया है, 70 साल में लोगों ने किया, इन्होंने 5 साल में ही मतलब ना पूरा हिसाब किताब बराबर कर लिया है। मगर मेरा मानना है कि यदि बहन कुमारी मायावती देश की प्रधानमंत्री बनी तो 5 साल में ही देश के अंदर खुशहाली ला देंगी, और फिर इस देश के अंदर जो आज गरीब तड़फ रहा है, जिन समस्याओं से जूझ रहा है, मैं ये मानता हूँ कि भाई 5 साल के अंदर एक समय टाइम पीरियड है, सब लोगों की समस्या तो दूर नहीं हो सकती, मगर मैक्सिमम जो मतलब वो कर सकती हैं, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है जहाँ की स्थिति परिस्थिति इतनी ख़राब थी, उन्होंने भी वहाँ पर भी उन्होंने उस वो काम करके दिखाया है कि आज़ादी के 70 साल में कोई दूसरा मुख्यमंत्री वहाँ नहीं कर पाया। तो मेरा मानना है, मुझे पूरा विश्वास है कि बहन कुमारी मायावती जिस दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगी तो इस देश के अंदर खुशहाली आएगा। वो फिर वो दिन हम लोग कहने लायक बनेंगे कि देश, ये भारत सोने की चिड़िया है और यहाँ पर हमारे महापुरुषों ने जन्म लिया है, तो उनके आधार पर देश चलेगा, हर आदमी यहाँ खुशहाल रहेगा, समतामूलक समाज की स्थापना होगी। निश्चित वो दिन अब दूर नहीं है, 2019 का इंतजार है, लोग एक एक दिन गिन रहे हैं कि किस तरह वो दिन आ जाए, और हम लोग इनका जो 5 साल का जो कुशासन चला है उसका उसे बहाल करें, तो इसके लिए वो पूरे तैयार हैं। सर, इस समय बहन जी बोलती हैं या बहन जी के कार्य हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो है वो कहीं नहीं दिखाता है, और जब सोशल मीडिया जब फील्ड में आया है तो आज सोशल मीडिया जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है या इनके जो आका हैं, 175 जो एंकर हैं वो इनका टारगेट है, इनके साथ कभी भी कुछ हो सकता है। नहीं देखो, पहले सरकारी मीडिया था, अब जितना भी मीडिया है वो प्राइवेट मीडिया है, वहाँ पर पैसे की भरमार है, और जो इस देश के पूंजीपति हैं उनके चैनल हैं, और ये सरकार देश के पूंजीपति चला रहे हैं, तो वो यहाँ गरीब आदमी की आवाज़ को नहीं उठाएंगे, वो उन्हीं की बात करेंगे जिन्होंने उनको वहाँ तक पहुँचाया है या जिसके पैसे पे सरकार बनी है। मगर मैं धन्यवाद देता हूँ सोशल मीडिया का और उन बंधुओं का जिन लोगों ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझी कि यदि आज हमारी समस्याओं को ये पटल पे नहीं दिखा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने संसाधनों से कुछ थोड़ा इकट्ठा कर हम उस चीज़ को लोगों के बीच में पहुँचाएंगे। तो आज इस देश के अंदर पूरा हमारा समाज उनके द्वारा जो भी कहीं घटना होती है तो तुरंत उनके पास वो सूचना पहुँचती है, और उसी की देन है ये कि आज हमारा समाज जागरूक हुआ है। तो ये बात निश्चित है कि जब कोई आदमी किसी के विरोध खड़ा होगा तो उसको डराया भी जाएगा, धमकाया भी जाएगा, रोका भी जाएगा, मगर निश्चित है कि जो लोग बाबा साहब के मूवमेंट को चलाने वाले लोग हैं या जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं, जो मानसिक रूप से तैयार हैं, वो ना तो किसी धमकी से घबराने वाले लोग हैं और ना ही वो रुकने वाले लोग हैं। मेरा मानना है कि जिस दिन हमारी सरकारें बनेंगी तो निश्चित मतलब जना बहन कुमारी मायावती जी यदि किसी को कहीं दिक्कत आई तो उनको बहाल करने का काम करेंगे। उन्होंने अभी भी कहा है कि दो जून की घटना के अंदर जो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ऐसे ऐसे मतलब जना दो अप्रैल की जो घटना हुई, जो आंदोलन हुआ है, तो उसमें लोगों ने सेलेक्ट करके लोगों को बंद कराने का काम किया है, किसी मुकोका लगाया, किसी को कुछ लगाया है, यानी वो धाराएं लगाई हैं कि जिसमें आदमी सोच भी नहीं सकता। पढ़ने वाले बच्चे जो यूनिवर्सिटी में स्कूल तक में पढ़ रहे हैं, बुजुर्ग लोग जिनका कोई लेना देना नहीं था, मगर ऐसे जो समाज में अग्रणी लोग हैं उनको इन्होंने उन्हें रोकने का काम किया है।
तो अभी बहन कुमारी में आते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहने काम किया था कि आप घबराओ नहीं, जैसे ही मेरी सरकार बनेगी तो सबसे पहले मैं इन सभी केसों को ख़त्म कराने का काम करूंगी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है और मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूं कि हमारी नेता की कथनी और करनी में कभी अंतर नहीं रहा है, वो निश्चित रूप से जो कहती हैं उसे करती हैं और वो बिल्कुल इस बात को करेंगी कि यदि किसी को कहीं दिक्कत, मतलब मीडिया बंधुओं को जो हमारा सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं उन्हें कहीं कोई समस्या आई होगी तो बहन जी उसको ज़रूर निश्चित उसकी मदद करेंगे और उसे बहाल करने का काम करेंगे। सर तो आवाम से आप क्या अपील करना चाहते हैं? आवाम से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि इस समय वक्त आ गया है, देश के हालात को लोगों ने देख लिया है, सारी पार्टियों को आप लोग चेक कर चुके हैं और यदि आज हम लोग चूक गए तो फिर बहुत बुरी स्थिति आ जाएगी। इसलिए मेरा हर आदमी से ये अपील है कि अपने सब मनभेद, आपसी रंजिश, आपसी कोई यदि आपस में कोई बातचीत है तो उन सबको भुलाकर एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही हमारा चिड़िया की आंख हमें नज़र आनी चाहिए कि अब हम लोग किसी की सरकार नहीं बनाएंगे इस देश के अंदर। अब सरकार यदि बनेगी तो बाबा साहब के आधार पर कि वोट किस देश के अंदर कि यदि वोट हमारा ज़्यादा है तो सरकार भी हमारे बननी चाहिए, जो नारा कांशीराम साहब ने साकार किया कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो उसके आधार पर यदि वोट हमारा है देश के अंदर अब तो सरकार भी अब हमारी बनेगी। हमने बहुत लोगों की सरकार बना के देखने का काम किया है, अब हम किसी की सरकार नहीं बनाएंगे। यदि अब सरकार बनेगी तो अपना दल, अपना बल, अपना झंडा, अपना नेतृत्व के आधार पर सरकार बनेगी, तो उसी के लिए एक एक आदमी की जिम्मेदारी बनती है। अब किसी को कोई कहने की जरूरत नहीं है कि भाई कोई मेरे पास कहने के लिए नहीं आया, अब तो सब हर आदमी की नैतिक जिम्मेदारी है कि देश के सारे हालात आपके सामने हैं कि आप यदि हालात को हम लोग नहीं समझे तो बहुत बड़ी चूक हो जाएगी, हमारी आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। इस समय लोहा बिल्कुल गर्म है, हर आदमी की चाहत है कि हमारी सरकार बने, हमारी नेता बहन कुमारी मायावती देश के प्रधानमंत्री बने, तो निश्चित रूप से इस समय हमें एक एक वोट, एक एक वोट चाहे हमारे रिश्तेदार का है, दोस्त का है, पड़ोसी का है, जहाँ पर भी हमारा वोट है उस दिन हमें जश्न के रूप में, त्यौहार के रूप में, मतलब जरा अपनी सब चीज़ भूल कर कि उस दिन जो बाबा साहब की मेहरबानी से हमें ये वोट का जो ब्रह्मास्त्र मिला है उस दिन उसको जरा हमें पूर्ण रूप से उस दिन उसका उपयोग करना चाहिए, और उपयोग यदि हमने निश्चित रूप से कर दिया और करेंगे मेरे हमारे लोग, मुझे पूरा विश्वास है, तो निश्चित रूप से देश के अंदर 2019 आने वाली जो ये 21वीं सदी है वो देखने लायक बनेगी, जो हमारे महापुरुषों का सपना वो उस दिन साकार होगा, वो उस दिन बहन कुमारी मायावती देश के प्रधानमंत्री बनेंगी, ऐसा मेरा मानना है। आप थे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सीपी सिंह जी, आपका मानना है कि 2019 के अंदर जो वोट पढ़ेंगे और सभी आवाम की इच्छा है, सभी धर्म की इच्छा है, अगर मुस्लिम धर्म की बात करें या और धर्म की बात करें, क्योंकि आज मुस्लिम धर्म भी त्राही त्राही कर रहा है और भी जो दलित समाज है, बहुजन समाज है, सारा त्राही त्राही कर रहा है क्योंकि उन्होंने धोखा पा लिया। लेकिन बहन जी का जो शासन था पूरे, जब बहन जी उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री थी, उनके शासनकाल के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था। तो वही मानना है जो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष सी पी सिंह जी का, कि जो आगामी जो चुनाव होगा सभी लोग अपनी इच्छा से खुलकर बहुजन समाज पार्टी के जो लीडर हैं और जो देश की प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं, सभी के दिल के अंदर एक खुशी है क्योंकि पूरे प्रदेशों के अंदर, पूरे जो भारत के अंदर जो भ्रमण किया जा रहा है, तो और जो पार्टियां हैं, जैसे पहले कहा जाता कि आयरन लेडी का नाम दिया, वो आज भी आयरन लेडी हैं, लेकिन सभी की चाहत ये है कि अगर देश को अगर चला सकती हैं तो बहन कुमारी मायावती चला सकती हैं, ऐसा सभी लोगों का मानना है। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली बहुजन समाज पार्टी कार्यालय से।